अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील नगर परिषद चौक येथे भारताचे पहिले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त शिक्षण दिन साजरा करून मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना अभिवादन करण्यात आले। कुछ लोग पैदा ही अजीम होते हैं तो कुछ लोग अपनी जद्दोजहद और कारनामों की बदौलत अजमत हासिल करते हैं। तो मैं इसी सिलसिले में आपके सामने हिंदुस्तान के उस इनकलाबी शख्सियत का तज़किरा करना चाहती हूँ जिसकी मुदब्बराना सलाहियतों पे मैं फिरासत, दूरंदेशी, सियासी बसीरत और बेमिसल कायदाना सिफात की बदौलत हिंदुस्तान उस तरक्की की राह पे गामजिन हुआ जिसकी उसे आज़ादी के वक्त से लेकर अब तक जरूरत रही है। जी हाँ, इस शख्सियत से मेरी मुराद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम जनाब मौलाना अबू कलाम आज़ाद है। दिए गए इस मुख्तसर से वक्त में मौलाना आज़ाद के तमाम कसाय गुमराती बयान करना मुमकिन नहीं होगा, इसीलिए दिए गए इस मुख्तसर से वक्त में मैं अपने उनवान पर चंद जुमले कहकर रुखसत चाहूँगी। सामा इकराम, मौलाना आज़ाद का शुमार ऐसी हस्तियों में होता है जो तारीख की सांस कही जा सकती है, जिनके जंबिश कलम से लाखों दिलों में करवटें पैदा हो जाती हैं, जिनके अंदाज गुफ्तार से जहन में इनकलाब आ जाते हैं, ये मुजाहिदीन तहरीक आज़ादी की खुश नसीबी थी जिन्हें मौलाना आज़ाद जैसा शख्स मिला जिसने अदब और सहाफत दोनों को सियासी तलवार बनाया। अगर इनके पहलू में दर्द आशना दिल दूरबीन और तहरस दिमाग ना होता तो वह सहाबे करता तो कलम होते रह जाते। जिनके जलवे बारे में हमारी तारीख का रुख ही मोड़ दिया तो वह सहाबे करता तो कलम होके रह जाते। जद्दोजहद का ये रोशन तरीन सितारा 22 फरवरी 1958 को गुल हो गया। मोहतरम सामाईन, मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम पर सिर्फ इतना कहूँगी कि आज आज़ाद हिंदुस्तान जिसकी सियासत पर सियासत का नाश करते हैं और काबिल तकलीद निज़ा तालीम जिस पर हम हिंदुस्तानी फ़ख्र करते हैं, ये उसी मर्द मुजाहिद की बेपनाह काविशों का नतीजा है। तू मर गया फिर भी जिंदा है सुखन तेरा, तू मर गया फिर भी जिंदा है सुखन तेरा, बरसों तेरे लब से अफसाने बनेंगे, काफी तेरी ताबीर कभी खत्म ना होंगी, ता हश्र तेरी खाक से पैमाने बनेंगे। जो लोग तेरी तर्ज सियासत से खफा है, वो भी तेरी तहजीब के दीवाने बनेंगे। शुक्रिया। हे जे होते यांचं फार देशासाठी फार मोठं बलिदान आहे, हे एकदम अभ्यासू व्यक्तिमत्व होतं। यांनी हिंदू मुसलमानांना काही मतभेद नसताना यांनी देशासाठी फार मोठं बलिदान दिलं आहे, त्यांचा सियाचा वाटा आहे। भारताचे माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंगजी हे आणि अब्दुल कलामजी साहब हे राष्ट्रपती झाले देशाचे, यांनी देशासाठी अतिशय अभ्यासू व्यक्तिमत्व होतं। त्यांच्यामुळे आज देशाला चांगले दिवस आलेले आहे, कारण त्यांचं सांगणं सांगावं एवढं पण मोठे नाही, परंतु त्यांनी जे केलेलं आहे त्याची वस्तुस्थिती समोर मांडली गेली पाहिजे। त्यांनी जे देशासाठी ते केलं आहे हे अतिशय जोपासण्यासारखं आहे, अतिशय ते आपण त्यांची कोणत्या याच्यामध्ये त्याच्या उपकाराचे फेर आपण करू शकत नाही, कारण त्यांनी जे केलं ते अनमोल किमतीचं सहकार्य केलं आहे देशासाठी। आज ते अभ्यासू होते म्हणून आज आपण इथे चाललं आहे विकास, त्याच्या कुठलीही शंका नाही, कारण ते फार तज्ज्ञ व्यक्ती होते, देशाचे पंतप्रधानसुद्धा राष्ट्रपतीसुद्धा होऊन गेले असं ते व्यक्तिमत्व होतं। परमेश्वर त्यांना चांगली युनिट हो, चांगली प्राप्ती राहो आणि सर्वांच्या सदिच्छा आमच्या त्याच्या पाठीशी आहे। मेहमान थे साधनाताई माझ्या नार दुसरे जो मेहमान यहाँ पर आए थे उन सबका जो होता है जिक्रा एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जाकिर सर और शेख रहीम सर की तरफ से जो है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ जो है तो राष्ट्रगीत से जो है तो इस प्रोग्राम तो का जो है तो इख्तिताम का मैं ऐलान करता हूँ। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।